स्क्रीन पर अब आपको रेट्स दिखाई देंगे। चलिए निफ्टी करीब करीब 20 पॉइंट नीचे, हालांकि शुरुआत थोड़ी बेटर हुई थी लेकिन अब थोड़ा स्लिप होता हुआ, और अब गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पर मर्ज हो रहा है रेट। बैंक निफ्टी लेकिन ज़्यादा नीचे, और हमने बात भी की थी कि बैंक निफ्टी अब थोड़ा सुस्ताएगा शायद, 214 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। आईटी भी आज थोड़ा सा नीचे, करीब करीब आधा परसेंट नीचे, हालांकि मिड कैप ठीक ठाक खुला है 0.2% और स्मॉल कैप भी 0.2%। एडवांस डिक्लाइन 1161 वर्सेस 453। इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे पहले फायर करिए, उसके बाद बाकी स्टॉक्स पर आएंगे। इंडिया सीमेंट ने खुलते ही लगाया सर्किट, 10% का अपर सर्किट यहाँ पर लग गया। ध्यान रखिएगा ये बैन में है, और इसको अब आप चाहें भी तो चेज नहीं कर सकते हैं एफएनओ में, क्योंकि ये बैन में आ गया। लेकिन कल का प्राइस एक्शन कुछ बता रहा था, कल हमने इसको जब स्क्रीन बहुत कुछ बता देती है, कल 5% ऊपर था तब इसको पिक किया था, और उसके बाद कल ये स्टॉक इंट्राडे में 15% भागा, और आज फिर 10% की रैली हुई यहाँ पर। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी ले आई है, अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी एक अच्छा एक्विजिशन माना जाएगा ये, तो इसके लिए ये भी स्टॉक जो है वो 2% ऊपर खुल रहा। चलिए ये तो हो गई बड़े स्टॉक्स, अब बाकी सेक्टोरल ब्रेड्थ देख लेते हैं एक बार। सेक्टोरल ब्रेड्थ में ये स्क्रीन पर आपके लिए सेक्टोरल ब्रेड्थ, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी, दो तीन सेक्टर और इंडेक्स ग्रीन में है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे रेड में है। और ज़्यादा प्रेशर आज डाल रहा है निफ्टी आईटी, करीब करीब आधा परसेंट नीचे, हालांकि मेटल्स में अच्छी खासी तेज़ी है, करीब करीब आधे परसेंट की तेज़ी इस समय मेटल्स में दिखाई देगी। चलिए अब निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा निफ्टी डाउन है, इसके लिए टेक महिंद्रा, SBI और अपोलो हॉस्पिटल्स ये इस समय आपको रेड में दिखाई देंगे। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो और HDFC बैंक, यहाँ पर भी इस समय आपको रेड ट्रेड दिखाई देगी। ग्रीन में क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, और उसके बाद टाटा स्टील, हिंडालको और ग्रासिम, ये कुल मिलाकर आज का मामला। अब जरा आप लेकर आइए हमारा निफ्टी का हीट मैप। सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% ऊपर, HDFC बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, श्रीराम फाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, TCS थोड़ा सा नीचे है, रिलायंस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है कल के बड़े मूव के बाद। निफ्टी अभी भी करीब करीब 28 पॉइंट नीचे है। अब जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे FNO वाले स्टॉक्स देखने के लिए। HDFC बैंक हल्का सा नीचे, डॉक्टर रेड्डीज में हल्की सी बाइंग है करीब करीब 1% की, और PI इंडस्ट्रीज में अच्छी बाइंग है, करीब करीब 2% की बाइंग इस समय आपको PI इंडस्ट्रीज में दिखाई देगी। आप स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आ जाइए, जरा स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। गोदरेज कंज्यूमर करीब 1.25% नीचे, और रैमको सीमेंट करीब करीब 2% 2.5% ऊपर रहा। तो ये कुल मिलाकर मामला इस समय, और निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट नीचे, लेकिन आज मिड कैप में अच्छा एक्शन है, करीब करीब 200 पॉइंट इंडेक्स ग्रीन में है। स्टॉक ऑफ द मोमेंट अब है अल्ट्राटेक सीमेंट, 4.5% के मूव अल्ट्राटेक सीमेंट में। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, 4.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय इजीली स्टॉक ऑफ द डे। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टॉक ऑफ द डे क्योंकि इंडिया सीमेंट में तो मौका ही नहीं मिला किसी को, अल्ट्राटेक सीमेंट में एटलीस्ट लेकिन 1% ऊपर खुलने के बाद मौका मिला, और अब स्क्रीन पर करीब करीब 5% का मूव यहाँ पर आता हुआ। वीरू FNO में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक ऑफ द डे, इंडिया सीमेंट्स पे ऑल्दो अगर आप देखें अब डेरिवेटिव बैंड में भी है, और करीब करीब 10% ऊपर अब यहाँ पे। उसके बाद देखिए पूरा सीमेंट जो है आज आज स्पॉटलाइट में रैमको का जिक्र किया गया था, 0.3% ऊपर, ये भी अपने आई थिंक एक फ्लैग के ब्रेकआउट को अगर आप देखें ऑलमोस्ट कन्फर्म करता हुआ। उसके बाद कहाँ कहाँ पर मूव आ रहा है, लुक एट ग्रैसिम। ग्रैसिम मेरे ख्याल से कल भी इसमें वेरिएशंस बहुत स्ट्रांग थे, अब ऑलमोस्ट 2600 को स्ट्राइक करता हुआ डे हाई पे, बहुत ही एग्रेसिव ब्रेकआउट है यहाँ पर 2591 पे। आइडिया आज भी 0.25% ऊपर है, अंबुजा सीमेंट्स करीब करीब 1% ऊपर, और अगर मैं आउट ऑफ सीमेंट थोड़ा सा लोकेट करने की कोशिश करूँ तो कुल जेम और एयरपोर्ट्स में अच्छा मूव था, आज भी 2% ऊपर, एक टिपिकल फ्लैग का जो ब्रेकआउट है वो स्क्रीन पर विजिबल है। और फिर अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँ, कुछ फार्मा काउंटर्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, गिनेस की लिस्ट में अपीयर होते हुए, और उसके बाद एक दो कैंडिडेट्स मेटल्स के हैं। बैकफुट पे क्या है, गोदरेज CP, चंबल फर्टिलाइजर्स, श्रीराम फाइनेंस एक बड़े मूव के बाद बैकफुट पे आता हुआ, और HDFC, AMC और हेवल्स कुछ काउंटर्स जो कि बैकफुट पे हैं, बट शानदार मूव यहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स में। और अनुज, GMR एयरपोर्ट्स 100 रुपये, आखिरकार 100 हो ही गया। बिल्कुल, GMR 100 हो गया वीरू, और लग भी रहा था कि ये हो जाएगा, GMR एयरपोर्ट्स का शेयर 100 रुपये क्रॉस हो गया, लेकिन आज का क्लियर कट पैक जो है वो सीमेंट ही है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।